अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है बच्चों, आई कम वन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। जी बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों? ऑल पेमेंट्स आर एक्सपेंडिचर। हम कोई भी पेमेंट करते हैं किसी को भी, किसी भी शक्ल के अंदर, कोई एक्सपेंस पे करती हैं, कोई लोन का जो है वो पेमेंट करती हैं, कोई भी हम पेमेंट करते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं बच्चों। तो एक्सपेंडिचर को बच्चों हम दो जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चों कौन से होते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट जो है वो ज्यादा अरसे के लिए होता है, और ऐसे एक्सपेंडिचर जो बार बार नहीं होते उन एक्सपेंडिचर्स को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। लिखा हुआ जी, एक्सपेंडिचर्स विच प्रोवाइड बेनिफिट टू बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, सच एज मशीनरी परचेस्ड। जी बच्चों, तो मशीनरी हम जब परचेज करते हैं तो इसका बेनिफिट हमें लंबे अरसे के लिए होता है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और मशीनरी हमें बार बार नहीं खरीदनी पड़ती। उसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है उसको बच्चों हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Expenditures which provide benefit to business for short period of time are called revenue expenditure, such as salaries paid to employee. जैसे बच्चों हम सैलरी पे करते हैं हर महीने, तो बच्चों इसका टाइम पीरियड जो है, इसका जो बेनिफिट होता है वो हमें थोड़े वर्षे के लिए होता है। उसके बाद है बच्चों revenue receipts। तो revenue receipts बच्चों क्या होती है? Amount received from normal business activities is called revenue receipt। जी बच्चों, तो हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ से जो हमें रिसीट्स होती हैं उसको हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। इट इज़ रिकरिंग बाय नेचर सच एज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। ठीक है बच्चों, इट इज़ रिकरिंग बाय नेचर का मतलब है कि ये रेवेन्यू हमें बार बार होता है। रिकरिंग का मतलब जो चीज़, जो काम बार बार होता है उसको हम रिकरिंग कहते हैं। करें इट इज़ रिकरिंग बाय नेचर, मतलब ये रिसीट हमें बार बार होती है। और आगे एग्जांपल लिखी हुई है सच एज अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। अच्छा बच्चों, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जैसे जो है वो गुड सेल करना हमारा जो है वो नॉर्मल काम है, सर्विस प्रोवाइड करना हमारा बिजनेस का नॉर्मल काम होता है, ये हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ है। कैपिटल रिसीट। जी बच्चों, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ के अलावा अगर हमें कहीं से अमाउंट रिसीव हो जाती है तो वो हमारी कैपिटल रिसीट है। जैसे कि बच्चों हमारा काम जो है वो मोबाइल सेल करने का है, तो मोबाइल सेल करके जो हमें इनकम पैसे आएंगे वो हमारी रेवेन्यू रिसीट है। लेकिन हमारे पास कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है, एसी वगैरह लगा हुआ है, उसे सेल करके अगर हमें पैसे आते हैं तो वो हमारा कैपिटल रिसीट होगा, क्योंकि फर्नीचर सेल करना या एसी सेल करना हमारा नॉर्मल बिजनेस नहीं है। तो नॉर्मल बिजनेस से हट के अगर हमें कोई भी अमाउंट रिसीव होती है तो वो हमारा कैपिटल रिसीट होगा। अमाउंट रिसीव फ्राम अदर दैन नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड कैपिटल रिसीव। इट इज़ नॉन रिकरिंग बाई नेचर। जी बच्चों, नॉन रिकरिंग का मतलब है कि ये काम बार बार नहीं होता। सच एज अमाउंट रिसीव फ्राम द सेल ऑफ फिक्सड एसेट। जैसे फिक्सड एसेट हमने अभी बात की है कि हमारा बिजनेस जो है वो मोबाइल का, तो हमने अपना फर्नीचर सेल कर दिया, फर्नीचर हमारा फिक्सड एसेट था, तो फर्नीचर सेल करके जो हमें अमाउंट रिसीव हो रही है वो हमारा कैपिटल रिसीट है। उसके बाद है बच्चों कैपिटल प्रॉफिट। तो फिक्स्ड एसेट सेल करके जो हमें प्रॉफिट होगा वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट अर्न्ड ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल लॉस, लॉस सफर्ड बाय अ बिजनेस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज कैपिटल लॉस। ऐसा लॉस जो हमें फिक्स्ड एसेट सेल करने पर हो वो हमारा कैपिटल लॉस होगा। रेवेन्यू लॉस, लॉस सफर्ड बाय बिजनेस ड्यू टू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड रेवेन्यू लॉस। ये बच्चों नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से अगर हमें लॉस होता है तो वो हमारा रेवेन्यू लॉस होगा। और रेवेन्यू प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज नोन एज रेवेन्यू प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से अगर हमें प्रॉफिट होता है तो वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सिंपल है ये बच्चों, एग्जाम्पल दी हुई है। गुड्स जो है वो हमने 10,000 की सेल कर दी, 10,000 की गुड्स थी, हमने 12,000 में सेल कर दी, तो 2,000 जो है वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। जबकि ऊपर एग्जाम्पल लिखी हुई है गुड्स सोल्ड, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 सोल्ड फॉर 9,000। जी बच्चों, 10,000 रुपये की चीज़ें थी, हमने 9,000 में सेल कर दी, तो 1,000 हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। उसके बाद बच्चों नंबर 10 पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
बच्चों ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी हमने ऊपर बात की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। लेकिन बच्चों कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसका बेनिफिट हमें ज्यादा वक्त के लिए हो जाता है, एक साल से ज्यादा अरसे के लिए हो जाता है। होता तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो एक साल से ज्यादा अरसे के लिए होता है, तो उन एक्सपेंसिस को हम क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच एक्सटेंड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स आर कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका फायदा एक साल से ज्यादा अरसे के लिए हो। तो जी बच्चों ये हमारे इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो कि आपने बच्चों याद करने हैं, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।